Вода тира вода. Вода тира вода. Воды мы тримара гая. Банда я сида сада. ठोको. Банде сиде саде мар дие. Ор ваде карке чала гая. А? Аб бхагауда хо гая. Аб бхагауда хо гая. Нарендра Моди. Мене фильм дехи ти. Hero number one. Дехи аапне? Бакионе биби number one то дехи е сабне гарме. Мери муче хари оти ти. Инсе би пучло. Кулдип се би хари оти. Жабсе баби се чади ли е таа е ниче гей. Банда кетрен бабар шер ожае. Гар жаке мяу мяу ни карта е. Карта ки ни карта? А? Биби number one то сабне дехи е. Hero number one би дехи е. Кули number one би дехи е. Аб Моди ки number фильм аа рей, аа рей, на? Уска нам мене рака Thankyou number one. Thankyou number one, жута number one. Хар бат ме чит. Мачхар ке капде пенана, хати ко год ме жулана, ор Моди се сач булана, асамбав бат. Токо, токо, тали, токо. Бат сахи кар ра. Бено, байо, на каунга, на каунга, на кане дунга. Абе пет хат гиа тера итна хая. Ор тхокте куне Амбани ко хилая. 35,000 крор рупай ек дил ме. 60,000 крор ке дефенс дил. Свиден ме. 65,000 ка сингл енжин файтер джетс. Рафаэл 35,000 крор хилая Амбани ко. Фир दो और बोल रहा हूं मैं इजराइल में जाके 67,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पहला कॉन्ट्रैक्ट अंबानी की 7,500 की डूबी हुई कंपनी जिसका 60 रुपए का शेयर डसॉल्ट ने 1100 में खरीदा नरेंद्र मोदी क्या ये तुम्हारी राष्ट्रभक्ति है आए थे 2014 में गंगा के लाल बन के और जाओगे 2019 में राफेल के दलाल बन के दलाल हो तुम मैं कहता हूं दलाल हो यदि तुम में दम हो यदि तुमने नेक मां का दूध पिया है यदि तुम किरदार वाले हो तो खंडन करो आओ यहां आओ तुम्हारे घर आता हूं गली में मोहल्ले में आओ बहस कर लो यदि सिद्धू हार जाए तो राजनीति सदा के लिए छोड़ जाए आओ मैडम तुम्हारा जवाब ही नहीं आया मोदी टाई टाई फिश हो गई है तुम्हारी तुम कहते थे 10 रुपए का बिल लो बहनों भाइयों तो पक्का बिल लो अरे राफेल के बिल की बात करते तो तुम बिल बिल आ जाते हो क्या चक्कर है भाई क्या चक्कर है सबका साथ सबका विकास अरे रोज अंबानी गाना गाता है नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसे मिलेगा रोज गाता है और तुम्हारे लिए गाता है नरेंद्र भाई मोदी मैं तुम्हें कहता हूं छाती ठोक के कहता हूं तुम चौकीदार बनने चले हो कभी देखा है चौकीदार किसी किसान के घर के बाहर कभी देखा है चौकीदार किसी मजदूर के घर के बाहर कभी देखा है चौकीदार किसी गरीब के घर के बाहर इस देश को बांट दिया तुमने इस देश को खेरू खेरू कर दिया तुमने सरदार पटेल के अखंड भारत को खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हो तुम हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम मैं तुम्हें कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो किसान की पगड़ी की बात हो और अपने सम्मान की बात हो करते हो नहीं भागते हो और भगाते शाबाश तू तू लगाएगा भाई के झंडे में डंडा तेरा होश जोश जो है ना इसके होश के साथ मिलके लगाएगा तंबू में बम्बू बस पराठे खाने छोड़ दे ठोको ताली ठोको इसके लिए ठोको ठोको भाई ठोको ठोको शाबाश छा गया गुरु बगैर बादलों के मुझे बात बुला दी हाँ पहले चौकीदार कहा करता था दोस्तों जागते रहो सुनते थे ना कभी कभी नींद खुलती थी नीचे चौकीदार जो है वफादार जागते रहो जागते रहो अब ऐसे चौकीदार आ गए जो 17 लाख करोड़
हिंदुस्तान के बैंकों के अडानी के हाथ में देके कहता है भागते रहो, अरे भाई भागते रहो, ठोको ठोको भागते रहो, ये चौकीदारी है तेरी है। अंधों के बाजार में आईनों के खरीददार है, शहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं, अरे हम भी चौकीदार, ठोको ताली ठोको जरा, इसके पोतड़े खोलता हूं। 2,00,000 करोड़ सरकारी के बैंक, सरकारी बैंकों से चोरी हुई थी, यहां प्रेस के लोग बैठे हैं। 2,00,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी के टाइम में 87,000 करोड़ अमीर आदमियों के माफ किए थे इंसेंटिव के रूप में, और 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफी हुआ था यूपीए की सरकार में। नरेंद्र मोदी ऐसा चौकीदार है तू कि आज 24,00,000 करोड़ सरकारी बैंकों का एनपीए हो गया, जिसमें से 4,00,000 करोड़ सीधे इन अंबानियों और अडानियों के तुमने माफ कर दिए, इनको तुमने इंसेंटिव के नाम पे माफ कर दिए। 5 साल किसान से कर्जा लेने का टाइम इनको 25-25 साल दे दिए। जिसने बैंकरप्सी शो की उसके 2-2 रुपए बढ़ा दिए यूनिट बिजली में। 25,00,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के बैंकों का और किसका है? मैं कहता हूं कुलदीप भाई बोला कर, वो आपका है। सवेरे चाय पीते हो तो चीनी पे टैक्स, चाय पत्ती पे टैक्स, बाथरूम जाते हो सीवरेज पे टैक्स, सड़क पे जाते हो रोड टैक्स, फिर टोल टैक्स, अरे जीने पे टैक्स, मरने पे टैक्स। बच्चे का अपने का 20 पैसे दिया था बर्थ सर्टिफिकेट का, उसके बाद उसके का 20 रुपए दिया है। हर चीज पे टैक्स, हर चीज में टैक्स। ये लोगों के खून पसीने के पैसे हैं नरेंद्र मोदी, जो तुमने लुटा दिए अंबानी और अडानी के पास। किसान 2,00,000 का कर्जा लेता है तो तुम उससे ब्लैंक चेक लेते हो, और ब्लैंक चेक लेके अगर वो एक भी पेमेंट डिफॉल्ट करता है 2,000 रुपए की, तो तुम उसे जेल में ठुक पाते हो, उसकी मुनियादी करवाते हो, कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसकी फोटो लगवाते हो। और क्या नाता है तुम्हारा इस अदानी के साथ? 1,00,000 करोड़ रुपया इस देश का नहीं दिया अंबानी, 46,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। क्या नाता है तुम्हारा इनके साथ? क्या सुमड़ी में घुमड़ी है तुम्हारी इनके साथ? अरे तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। वाह तेरे मोदी, झूठा है, झूठा है तेरे हर तरफ से। आम जनता की पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, यू 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 यू। सवेरे देखा प्रधानमंत्री इधर उधर, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, अरे जेब खाली है खाता खुलाया जा रहा है। वाह तेरे मोदी, पेट खाली है योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है खाता खुलवाया जा रहा है, खाने को खाना नहीं है शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ताली, वाह 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 मोदी वाह, मैं तो हैरान ही हो गया। कमाल, आफरीन। सब कंपनियां विदेशी है, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। नौकरी की बात करते हो तुम, 2 करोड़ नौकरी बोला था पर साल, 10 करोड़ होनी चाहिए थी 5 सालों में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फिगर देती है 8,00,000 नौकरी। नरेंद्र मोदी खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। 10 करोड़ कह के 8,00,000 नौकरी दी इनको, बड़े बड़े ठेके दिए इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाई। चाइना की GDP तुम्हारी 8.2, चाइना की 6.2। चाइना 65 मिलियन नौकरी दे रहा है, 65 मिलियन मतलब 6,50,00,000, और तुम 8,00,000, 5 साल में 15,000 हर रोज जा रही है, वो 35,000 हर रोज नौकरी दे रहा है। अरे काहे का तू चौकीदार है? मच गई देश में हाहाकार है। GST और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। 15,00,000 का रे मोदी अभी तक इंतजार है, काहे का तू चौचौदार? अंधी के नैनों को खुमार आया है, आज गंजों को कंघी का प्यार आया। ठोको ताली, ठोको ठोको ठोक, वो झूठ बोल रहा हूं, बात सही कर रहा हूं, इसी तरफ से कोई वो तो नहीं है? ना राम मिला
न रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बेरोजगार मिला। ठोको लो फिर काका आ गया, इधर इधर साइड में आ जा, इधर साइड में आ जा, तेरे ऊपर शेर यही खड़ा रही हो, ये यही ऐसा लग रहा है भीम आ गया, भीम हाथी उछालेगा। ठहर जा भाई ठहर जा, ओ बस बस बस, ओ देखी गुरु योग आप कितना मत कर गुरु, ओ ठहर जा भाई ठहर जा, आयु थोड़ी बड़ी है, आयु थोड़ी बड़ी है पर उत्साह आज भी वही है, नदी थोड़ी सूखी है पर पानी का प्रवाह आज भी वही है, सुनो सुनो, वही दमखम वही चमचम, मन ठाठ वही है, तलवार पुरानी है पर धार और काट आज भी वही है। ठोको ताली, ठोको गुरु ताली। अरे छा गया काका, तू लगाएगा पक्का ढंडे में डंडा, तू बनाएगा भव्य हिसार। ठोको बस बस, अब ज्यादा मत ऊपर सीना निकल जाना, बैठ जा बैठ जा बैठ जा गुरु, बैठ जा गुरु। नरेंद्र भाई मोदी को लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान था। हसलो हसलो पर ताली ठोको। एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी। भक्तों को लगता है कि भारत को खोद के निकाला है, खोद के। अरे नरेंद्र मोदी, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो अंबेडकर साहब ने हिंदुस्तान का संविधान रच दिया था। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पालने में सोजा लल्ला सोजा कर रही थी तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में यान भेज दिया था। जब तुम चड्डी में थे तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई थी, भाखड़ा डैम बन गया था, इसरो बन गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया था। और जब तुम डंडियां खड़का रहे थे आरएसएस की शाखा में टिकू 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 टिकू, तब हिंदुस्तान तीन जंगे जीत गया था। ठोको ताली। और जब तुम स्कूल नहीं गए थे तो चाचा नेहरू ने आईआईएम और आईआईटी बना दिए थे। मोदी गया मकान बनाने, कह रहा निचली माला कितने की बनेगी, कह रहा 20,000, कह रहा ऊपर वाली कितने बनेगी, कह रहा 10,000, कह रहा ऊपर वाली को बना दो फिर। अबे नीचे वाली के बगैर ऊपर वाला कैसे बनाएगा, हैं? झूठ बोले कौवा का। जब गुजरात में दंगे हो रहे थे ना मोदी, जब गुजरात में मारकाट मची थी तो शीला दीक्षित ने दिल्ली में मेट्रो ट्रेन दौड़ा दी थी। ठोको ताली। अरे सुई से लेके अंतरिक्ष यान तक कांग्रेस ने बनाया है और तुमने क्या बनाया है, एक चौकीदार बनाया, वो भी चोर बनाया। फिर तुम कहते हो अब की बार मोदी सरकार, मैं कहता हूं जब भी कहे ना अब की बार कहना बस कर यार, मैं बोलता हूं अब की बार तुम कहना बस कर यार। अबे अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, हाँ क्योंकि पूरे दिन, अरे मुझे तो पता ही नहीं था चौकीदार का कुत्ता भी चोर के साथ मिल गया है। ठोको ताली। हाय हाय हाय, अब की बार भव्य बने हिसार, तो क्या बात है यार। गुरु एक बात समझ लो, वो बाहर गया हुआ ड्यूटी कर रहा है, पर एक बात समझ लो, मैं आज अपने भगवान के दरबार में आया हूं। मोदी तो ट्रोल आर्मी से लड़ता है, लोकतंत्र का गुंडा तंत्र, डंडा तंत्र, ट्रोल तंत्र, भय तंत्र बना दिया, लेकिन मैं जनता के दरबार में हूं। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। खाक मशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। दूध को भट्टी पे रखो, दूध का उबलना निश्चित, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, सरकारों का उलटना भी निश्चित। पेट्रोल पंप पे जाओ, प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। ठोको जरा ताली, देखो ठीक है, काली जुल्फे रंग सुनहरा, आहा, क्या बात है। पूछो
डीजल को डीरेगुलराइज करके 400% ड्यूटी डीजल के ऊपर लगाई, 400% ड्यूटी डीजल के ऊपर, 270% ड्यूटी पेट्रोल के ऊपर, 37 रुपए पेट्रोल की प्राइस है और 47 रुपए पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है। गरीब का पैजामा 200 रुपए का और नारा 1200 रुपए का, ठोको ताली। हमारे मोदी वाह, सरकारें कर लेती हैं भमरे की तरह, जैसे भमरा फूलों से रस लेता है, तुम खून चूसने वाली झोंक बन गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हाल है बेटियों का हरियाणा में? क्या हुआ हाईवे पे, क्या हाल था छत्तीसगढ़ में? 22,000 कन्याएं छत्तीसगढ़ से चोरी होके बंबई की मंडियों में बिकी। तुम्हारे राज में 15 साल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे था बलात्कार में। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं है। जिस सभ्य समाज में औरत का सम्मान नहीं होता, उसका तबाह होना निश्चित है। मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें चुनौती देता हूं और ठोक के चुनौती देता हूं कि तुम चौकीदार 0.00001% लोगों के हो। 50 लाख करोड़ रुपया कर्जा था मोदी, 64 साल में चढ़ा इस देश के ऊपर, तुम आए 5 साल में 32 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के पैदा होने वाले नवजात शिशु के ऊपर चढ़ा। मैं तुम्हें कहता हूं आओ बहस दो कि पहले 60,000 रुपया साल कर्जा चढ़ता था, आज 7 लाख करोड़ रुपया प्रति साल कर्जा चढ़ता है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी डुबो दी तुमने। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 7,000 करोड़ के फायदे में थी, आज घाटे में। BHEL भेल 8,000 करोड़ के फायदे में थी, आज डूब गई 8,000 करोड़ के घाटे में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2,092 करोड़ के फायदे में थी, 4,000 करोड़ के घाटे में। और 15,000 करोड़ के घाटे में पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज। बात करते हैं तुम राष्ट्रवाद की, और अंबानी मुकेश अंबानी का 3 महीने का फायदा 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। अडानी 1 लाख करोड़ का देनदार है, 124% संपत्ति बढ़ गई। हिंदुस्तान 2200 करोड़ रुपया एक दिन में बैंकों का दे रहा है, और हिंदुस्तान का 0.001 अमीर एक दिन में उतने ही 2200 करोड़ कमा रहा है। वाह, गन्ने चूसने को बंदरिया और डंडे खाने को रीछ, ठोको ताली। तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये इंसाफ है तुम्हारा नरेंद्र मोदी, ये कर रहे हो तुम। वो एक जाट के बैलगाड़ी के नीचे, ये भी कहानी सुनाता है मेरा भाई, मैं भी सुनाता हूं तुम्हें। एक जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया भाई। उन दिनों में तो हम गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, हैं? आज हम काले अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए लड़ रहे हैं इस भारत देश में। तो जाट की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया, वकील करना पड़ गया। वकील ने कहा भैया ठोकेंगे बड़े, पुलिस में लेके जाएंगे। पटे के ऊपर लिखा होता है आन मिलो सजना, वो 60 सेकंड में 100 बार मारता है, ढाए 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 लाल कर देता है, नाम भी बंदा भूल जाता है। अब जाट की जेब में 5 रुपया, वकील बोला 100 रुपया लगेंगे, बचेगा तो जुगाड़ तो बताऊंगा। कह रहा ठीक है, जेब में 5 रुपए, कह रहा दिए 100 रुपए दिए। कह रहा जुगाड़ क्या है? वकील कह रहा 100 रुपया देगा? कह रहा हां दूंगा। कह जुगाड़ क्या है? कह रहा जुगाड़ ये है तू पागल बन जाना, तू बौरा जाना, बाल बाल बिखेर लेना, कुछ भी कर देना, कैसी मर्जी आवाज निकालना, मानना। कह रहा ठीक है, जज बैठा। कह रहा बोल भाई, तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया। कह रहा पागल हो गया, ये क्या कर रहा है तू, जज के सामने क्या कर रहा है ये? कह रहा बता, इकबाले जुर्म करता। कह रहा हूं, कह रहा बाहर निकालो, यहां खड़ा होने के काबिल नहीं है, बाहर फेंको। बाहर फेंका तो वकील भागा भागा। कह रहा कैसा था जुगाड़ हो, बरी करा दिए? कह रहा अबे तेरा मेरा 100 रुपए। कह रहा हंस लो, हंसो, ताड़ी ठोको।
मोदी को पूछो 15 लाख साहब आपने कहा था 15 हो, अरे 2 करोड़ नौकरी देने को बोला था हो। अब जब बीजेपी वाले तुम्हारे पास आओगे तुम क्या करोगे? ठोको। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और भारतीय जनता पार्टी का जो हेड है कि नहीं, वो उसका बेटा लड़की के साथ बदसलूकी करने के लिए जेल गया है। गया है कि नहीं गया है? गया है कि नहीं गया है? गया? अरे बेटी मार डालोगे तो बहू कहां से लाओगे, और किसान मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे? मोदी रोटी कहां से लाओगे? तुमने झूठ बोले। और दूसरी तरफ मेरा भाई है कहा 3 स्टेटों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का 10 दिन में कर्जा माफ होगा। अरे 10 दिन तो बहुत दूर, 2 घंटे में कर्जा माफ हुआ। शहर का कोई गरीब हो, कोई मजदूर हो, कोई किसान हो, जो 2 टाइम रोटी ना खाता हो, मैं नेक माँ का दूध पी के पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर से लेके आप सबको वचन देके जाता हूँ, राहुल गांधी की तरफ से 72,000 रुपया हर साल उसके घर पहुंचेगा मेरे भाई। ये मैं दम से कहता हूं तुम्हें, 200% 72,000 रुपया उसके घर पहुंचेगा। कौन कहता है कि वो परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा है? जैसे तिलों में तेल छुपा है, सागर में लहरें छुपी हैं, फूलों में खुशबू छुपी, गन्ने में गुड़ छुपा है, दूध में मक्खन छुपा है, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बन के तुम्हारे दिलों में छुपा है, तुम्हारे भीतर छुपा है भाई तुम्हारे। इसलिए तुम्हारे चरणों में सिर रखता है नवजोत सिंह सिद्धू। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है भाई। तुम्हारे चरणों में सर रख के मैं कहता हूं कि भव्य को अपना बना लो, सुख सुख का साझी बना लो यार। और सिद्धू एहसान फरामोश नहीं है मोदी की तरह। इसी जगह मैं वचन देके जा रहा हूं, मेरा भाई जीते ना सज्जी बाग, भव्य जीता तो ये जीता है, मेरा भाई जीते ना तो इसी जगह पे आके भंगड़ा डालूंगा मैं, लिख लो मैं भंगड़ा डालूंगा। मेरी और आपकी यारी पक्की है, पंजाबी समझते हो? वो कहते ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे, मोदी को है ना, कहता ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे, मां बाप नू बुरा कदे ना आखिए भावे लख उन्हां दा कसूर होवे, बुरे रस्ते कदे ना जाइए भावे मंजिल किन्नी भी दूर होवे, ओ बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे, जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे। घरवाली भैया कच्चे रूम उतर गया, मेरी तो मैं ही रोज रोज शिकायतें करता है, रोज इलेक्शन कमीशन में खड़ा है, चिट्टू मेरे लिए ऐसे बोला भटक करके, हर रोज शिकायत दे के आता है, ऐसे थोड़ा ना है। अडवाणी जी थे वो, मैं बता रहा हूं आपको कि जिस दिन केशु भाई ने बगावत की थी 2002 में, वो बंदा गया था टांग लगा के बोला था कि अगर इसके साथ ऐसा सलूक करोगे बगावत करोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर गोधरा के दंगे हुए दंगे गोधरा के, अडवाणी जी फिर गए, अटल जी ने कहा इस्तीफा दे, तो अडवाणी जी ने कहा पहले मेरा इस्तीफा होगा फिर ये इस्तीफा देगा, फिर बच गया झूठा मोदी। और आज
अपने गुरु को दूध से मक्खी जैसे निकालते है वैसे निकाल के फेंका। अडवाणी को हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए था तुझे। कि तू अडवाणी का नहीं हो सका तो नवजोत सिंह सिद्धू या हिंदुस्तान का किसी और का कैसे हो सकता है नरेंद्र मोदी। मेरी माँ कहा करती थी, बेटा गुरुद्वारे जाना, कोई भी बड़ी खता हो जाए उसकी माफी मांग लेना, तुझे गुरु से माफी मिलेगी। लेकिन एहसान फरामोश बन के गुरुद्वारे मत जाना, क्योंकि एहसान फरामोश आदमी का बोझ धरती उठाती नहीं है। तुम हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे को सवाल करते हो, मोदी तुम्हारे साथ जो है वही ठीक है, जो तो सत्ता पक्ष को सवाल करे वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। सुन नरेंद्र मोदी, सिद्धू कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है, सरदार भगवान सिंह सिद्धू का बेटा है, कीर्ति गदर पार्टी में जिसने अपनी जिंदगी इस देश को लगा दी, लाल किला अखबार निकाला। मेरे दादा ने उनसे पूछा था, राजाओं में से हम कि राजाओं का नमक खाना है तो अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारी आवाज नहीं उठेगी। मेरा पिता लाहौर चला गया था, तीन तीन महीने साबुन नहीं देखा, स्कॉलरशिप में पढ़ता था, जिस क्लास में पढ़ता था पढ़ाने के उन्हीं से पैसे लेता था। रात को तेजा सिंह स्वतंत्र साहब स्वतंत्रता सेनानी कीर्ति गदर पार्टी जिसमें भगत सिंह भी था उसमें शामिल होकर लाल किला अखबार निकालता था। मेरा पिता लाहौर में सवेरे 4:30 बजे पकड़ा गया, अंग्रेजों ने सजाए मौत सुनाई, मजिस्ट्रेट ने कहा टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड, 14 बंदे गोली मारेंगे। जूड़ा बांध के ऊपर किल्ली के ऊपर टांग देते थे, 4-4 दिन सोने को नहीं मिलता था, जब नींद आती थी तो बाल खींचते थे और खींचते बालों में फिर खड़ा होना पड़ता था, नाखून यूं प्लास से खींच के ऊपर नमक छिड़कते थे, मिर्च छिड़कते थे, गुड़ के पोतड़े मुंह पे डालते थे, बर्फ की सिल्लियों पे लटाते थे। नरेंद्र मोदी, उस भगवान सिंह का बेटा हूं जब सजाए मौत 3 दिन रह गए थे, रानी का जन्मदिन हुआ और रानी के जन्मदिन पे 7 कैदी छोड़े गए पर्ची डाल के किंग्स एमनेस्टी में, और उनमें सरदार भगवान सिंह सिद्धू भी एक था। पंजाब आए, सुनो पंजाब आए, एमएलए बने कांग्रेस की तरफ से, एमएलसी बने, किराए के मकान में रहते थे, तो उनका दोस्त था नंद कुमार, वो कहने लगा भगवान सिंह केरी देशभक्ति च पै गए, 2 कारखाने लगा, 4 पैसे कमा, ये कौन सी बातों में पड़ गया? तो मेरे बाप ने उसे लिख के भेजा था कि बात तो तेरी ठीक है मित्र, मैं पैसे बहुत कमा लेता पर पेड़ों से ही छाया होती, समा सबको गिरा देता, कितने ही धनी हो चले गए कौन किसी का नाम लेता, कैसे बनती मेरे गुरु की वाणी अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता, अगर बाबा नानक हट्टी लगा लेता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कोई कोदरा कराने वाला सरदार भगवान सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल नहीं कर सकता देशभक्ति का। तुमसे बड़ा देशद्रोही नवजोत सिंह सिद्धू ने आज तक देखा नहीं। सरकारी बैंक मार दिए, सरकारी खजाने मार दिए, इस देश पे 32 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। तुम बात करते हो देश की, देश को आजादी दिलवाने वाली पार्टी है चाचा नेहरू की पार्टी है कांग्रेस, 70 साल राज करने वाली पार्टी है मौलाना आजाद की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है, इनकलाब की पार्टी है। अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते, मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है, यूं ही पैदा गांधी जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद और भगत सिंह जैसे लोग जनाब नहीं होते, चरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब नहीं। थबड़ा है तू, झूठा है तू, मैं कहता हूं मुद्दों से भाग रहा है तू। अब नौकरियों की बात नहीं करता दामोदर दास, तू अब 15 लाख की बात नहीं करता, ब्लैक मनी लानी थी 90 लाख करोड़, एक आदमी का नाम नहीं दिया, 6,000 आदमियों की लिस्ट है, 17 राजन लिस्ट में है जो भगौड़े हो गए, 24 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचाया, उनका नाम नहीं दिया। जेठमलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला,
सीबीआई ने बोला 30 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंकों में जमा है, और जेठमलानी साहब ने एफिडेविट दिया कि जर्मनी बताना चाहती है 1100 लोगों का नाम जिन्होंने देश के साथ द्रोह किया और वो पैसे बाहर लेके गए हैं। नरेंद्र मोदी, तुमने एक का नाम नहीं और एक पैसा तुमने वापस नहीं लाया। गरीब के 500-500 रुपए, जो जाट बेचारा 5000 रुपए का कर्जा लेके टमाटर बेचने गया, तुमने उसके पैसे बैंकों में जमा करवा लिए। गृहिणी 10000 रुपए जोड़ती थी घर वाले से छिपके, उसके नोटबंदी में पैसे जमा करवा लिए। तुमने 500-500 जो मजदूरी करते थे उनके पैसे बैंकों में जमा करा दिए। कतार में कोई अंबानी अडानी खड़ा देखा? बताओ, बताओ, कोई मरा अमीर, कोई अंबानी या अडानी मरा देखा? देखा नहीं। जमा कौन करवाने गया? गरीब, मजदूर, किसान, लेबरर है, वो सब लाइन में खड़े। 4 दिन की जिंदगानी, 2 दिन कतार में, 2 दिन इंतजार में। वो पैसे जमा करवाए तुमने बैंकों में, और वो पैसे जमा करा के ऐसी उल्टी गंगा बहाई, नोटबंदी की गंगा। आज बताने वाला हूं, प्रेस के भाई बैठे हैं यहां, बाहर विदेशों में 1000 पाउंड बंद हुए, 5000 पाउंड बंद हुए, 50 पाउंड चालू, $1000 बंद, $5000 बंद, $100 चालू। वाह रे वाह, नरेंद्र मोदी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तुमने 500 का नोट बंद किया, 1000 का नोट बंद किया, और 2000 का गुलाबी नोट कर दिया। वाह रे वाह, वाह, उल्टी गंगा, वाह। छोटे नोट बंद और बड़ा नोट चालू। अमित शाह साहब, मैं आपको ललकारता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप जिस बैंक के चेयरमैन हैं, अहमदाबाद बैंक के, उसमें 750 करोड़ रुपए गुलाबी करके जमा हुए कि नहीं हुए? बताओ। जयेश, तुम्हारा मंत्री नंबर 2 जो राजकोट के बैंक का चेयरमैन है, उसमें 700 करोड़ रुपया जमा हुआ कि नहीं हुआ 4 दिन में? बताओ। मुंडे साहब की बेटी पंकजा मुंडे, 800 करोड़ रुपया उसके बैंक में जमा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। और अगर कुलदीप भाई, किसी ने 700 करोड़ इन बैंकों में जमा करवाने थे, तो 1 घंटे में 12000 लोगों को 2.5-2.5 लाख रुपया जमा कराना था। और अगर 12 बंदे कोऑपरेटिव बैंक में 2.5-2.5 लाख जमा करा जाए, मैं तेरी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। अमित शाह, चोरी की तुम लोगों ने, गरीब के पैसे चुरा के तुमने बैंकों में डाले, अपनी पार्टी को तुमने अमीर किया। गरीब आज भी गरीब होता जा रहा है और अमीर आज भी अमीर होता जा रहा है। नोटबंदी, जीएसटी आदि मुद्दे नहीं रहे। सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है, क्या चुनाव है, ठोको ताली ठोको, क्या चुनाव है। फौज के ऊपर राजनीति कर रहे हो, लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हो। 1700 दंगे, 1700 आतंकी हमले, हाईएस्ट एवर, 70 जवान, पहले 8 कांग्रेस की सरकार में, अब 70 हाईएस्ट। पहले जब आतंकी हमला होता था, बंबई में हुआ, तो इस्तीफे मांगे जाते थे, शिवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा, शिवराज पाटिल ने दिया इस्तीफा, विलासराव देशमुख ने दिया इस्तीफा। अब जब आतंकी हमला होता है तो तुम वोट मांगते हो, वोट, मुद्दों से भागते हो। मोदी जी की सेना, योगी कहता है मोदी जी की सेना, अबे काहे का योगी, सत्ता का लोभी, खोदेंगे तेरी गोभी। ठोको ताली ठोको, हैं? मोदी जी की सेना, किसी के पाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान की सेना है, हिंदुस्तान की रहेगी। और सुनो मोदी, ये सेना हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ने के लिए, तुम्हारे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। मैं कहता हूं सीबीआई मार डाली, रबड़ का गुड्डा बना दी, रॉ के भेद खोल डाले, जुडिशरी सड़कों के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक फौज बची थी, आज फौज की पनाह में जाके इलेक्शन लड़ रहे हो? अरे मुद्दों पे लड़ो नरेंद्र मोदी, मुद्दों पे इलेक्शन लड़ो। भुखमरी 50% बढ़ गई, 50 करोड़ लोग इस देश में एक टाइम रोटी नहीं खा सकते। डेवलपिंग नेशन का टैग छीन लिया,
और बैकवर्ड कंट्री का टैग लगा दिया हिंदुस्तान के माथे पे। शहीदों के नाम पे वोट दे दिए तुमने। मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है कश्मीर में, मैं उसी चिता की अग्नि हूं जो जलती है बंबई में। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि आग लगी है देश में, और लगे आग इससे पहले तुम क्रांति मशाल जला दो, और आग लगाने वालों को तुम पहले आग लगा दो, तुम पहले आग। आखिर में इतना ही कहूंगा कि वोट छोटी नहीं है तुम्हारी। एक छोटी सी चिड़िया जंगल से तालाब से पानी लाती और जंगल की आग बुझाती। एक कौवा बैठा था, कहने लगा चिड़िया रानी, समझता था तुझे बड़ी सयानी, तू तो निकली बिल्कुल नयानी। अरे तेरी चोंच में आता है इतना सा पानी, क्या आग बुझने वाली है? तो कौवे को चिड़िया ने जवाब दिया, उसने कहा कौवे राजा, जंगल की आग का जब इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा।